और दिल्ली में यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों को पहले ही डरा रहा है। दिल्ली में कई अलग अलग जगहों पर जल जमाव है और इसी बीच मानसून ने एक बार फिर से दिल्ली को परेशान कर दिया है। दिल्ली में आज एक बार फिर भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यमुना नदी का जलस्तर पहले के मुकाबले कम हुआ है। अभी पानी का लेवल 205.98 मीटर तक पहुंच चुका है। इसके पहले हमने देखा तो 208 तक पहुंच चुका था ये जो पूरा वाटर लेवल था। आईटीओ और मथुरा रोड पर अभी भी पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के चाहे पॉश इलाके हो या फिर यमुना नदी से सटे हुए निचले इलाके, सभी जगहों पर इस समय जलभराव की स्थिति थी। कई प्रमुख इलाके चाहे आईटीओ हो, हमने देखा सराय कालेखा की तरफ, राजघाट की तरफ, ये तस्वीर लाल किले की तरफ की हम दिखा रहे हैं, जहां सब चारों तरफ से पानी पानी नजर आया। और सीधे फिलहाल राजधानी दिल्ली पर ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। इस समय हमारे साथी शिवानी शर्मा आईटीओ बैराज से हमारे साथ में जुड़ रही हैं, भावना किशोर जुड़ रही हैं राजघाट से लाइव हमारे साथ। सबसे पहले शिवानी आपका रुख कर लेती हूँ, जरा बताइए कि पहले से वाटर लेवल कम जरूर हुआ है कहा जा रहा है, लेकिन संकट तो दिल्ली वासियों के लिए अभी भी बना हुआ है। नैना देखिए, आपको बताऊं कि जल स्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन धीरे धीरे राहत हो रही है। यहां जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के डाइवर्स का। आपको पता है कि जो बैराज हैं अलग अलग जगहों पर, उनके कई स्लूस गेट्स जाम थे, 32 में से 5 गेट्स जाम थे, जिसकी वजह से जो यमुना का बहाव था वो आगे नहीं जा रहा था, उसमें रुकावट थी और उसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर रहा था, चाहे वो आईटीओ का इलाका हो, WHO बिल्डिंग हो और दूसरे निचले इलाके हो। और आप देखिए इस तरफ कैसे ऑपरेशंस चल रहे हैं पिछले 2 दिनों से। जो मरीनर्स हैं भारतीय नौसेना के, खास तौर पर वेस्टर्न नेवल कमांड से यानी मुंबई से, वो यहां पर आए हैं खास तरह का इक्विपमेंट लेकर, जिसकी स्किल उन्हें प्राप्त है। जो कटिंग वेल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स यहां पर लगी हुई है और लगातार पिछले 2 दिनों से अथक प्रयासों के जरिए उन्होंने 2 गेट्स खोल लिए हैं और अब धीरे धीरे जो बाकी के गेट हैं, जो यमुना के अंदर हैवी सिल्ट की वजह से जाम पड़े हुए थे और यमुना में बहाव रोक रहे थे और ये पानी वापस जा रहा था कई इलाकों में। विजय आर के यादव आपको दिखाएंगे कि कैसे इस बैराज के ऊपर बड़ी क्रेन लगाई गई है। इंजीनियर टास्क फोर्स के, भारतीय सेना के जो स्किल्स वाले इंजीनियर्स हैं यहाँ पर अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ यहाँ आए हैं, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद मांगी भारतीय सेना से और भारतीय नौसेना से, तो इन टीमों को तुरंत यहाँ पर मोबिलाइज कर दिया गया और लगातार ये ऑपरेशन जारी है ताकि दिल्ली को राहत मिल सके। ये गेट्स जब खुलेंगे तो बहाव आगे जाएगा और जो इलाके जिनमें पानी भर गया है, चाहे वो आईटीओ का इलाका हो, चाहे वो राजघाट का इलाका हो, इन सबको राहत मिलेगी। तो देखिए बहुत ही मुश्किल काम होता है नैना, पानी के भीतर जाकर अंडर वाटर डाइवर्स जहां पर अपना इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, सिल्ट को हटा रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं और ये रुक नहीं रहे हैं। भले ही बारिश होती है या रात होती है, लगातार भारतीय सेना और भारतीय नौसेना इस काम में जुटी हुई है, डटी हुई है और जो गेट्स जाम थे उनको लगातार देखिए, आप देखिए गोताखोर भारतीय नौसेना का इस वक्त पानी में जा रहा है, अंदर जा रहे हैं जहां पर ये गेट्स बंद हैं, उनको अंदर से खोलने की कोशिश की जा रही है। जो सिल्ट है उसको हटाएंगे, उसके बाद इन गेट्स को खोलेंगे, अगर जरूरत पड़ती है कहीं कहीं पर तो उनको काटेंगे भी। इन गेट्स को खोलना आसान काम नहीं है, इसके लिए खास तरह की स्किल चाहिए, खास तरह का इक्विपमेंट चाहिए। पानी के भीतर जाकर इस मुश्किल काम को कर रही है भारतीय नौसेना और भारतीय सेना और लगातार ये जो कोशिश है इसके परिणाम भी आ रहे हैं। जो स्लूस गेट्स हैं वो खुल रहे हैं और ये ऑपरेशंस तब तक जारी रहेंगे जब तक पूरी तरह से ये जो गेट्स थे, जो 5 गेट्स थे जो बंद थे, वो खोल नहीं लिए जाते। तो हम इस वक्त आईटीओ बैराज से पहले जहां पर ये ऑपरेशन चल रहे हैं वहां से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिवानी, और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख भी रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं कि कितना टफ है यहाँ पर ये भारतीय सैनिकों के लिए, नौसैनिकों के लिए, जो पानी के भीतर जाकर ये जो जाम गेट हैं उन्हें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि सफलता भी मिली है काफी हद तक, वाटर लेवल कम भी हुआ है। भावना किशोर का रुख कर लेती हूँ, राजघाट से समय हमारे साथ में है। भावना, 2 बातें जरूर बताइएगा, एक तो जिस जगह पर आप मौजूद हैं, मैं जब वहां पर थी तो कमर से ऊपर तक पानी था, क्या राजघाट में भी पानी कम हुआ? और दूसरी बात ये
कि अब जो तस्वीर नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि शायद ये वाले एक्शंस पहले लेने चाहिए थे प्रदेश सरकार को भी। अब बिल्कुल कुछ स्टेप्स अगर पहले लिए जाते तो स्थिति इतनी बद से बदतर नहीं होती, लेकिन देखिए नैना, इस वक्त आप देख सकती हैं कि राजघाट में मौजूदगी है, मौसम थोड़ा मेहरबान हो रहा है, धूप निकल रही है, तो हो सकता है कि पानी में कमी आए। इस वक्त आपको हम दिखा देते हैं कि आप देखिए राजघाट के बाहर ये पानी का जो लेवल है जस के तस बना हुआ है, और बताया जा रहा है कि देखिए पानी निकालने का काम तो चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि देखिए दूर दूर तक अभी तक पानी जो है, ऑफिसेज जो राजघाट के आसपास के जितने भी बिल्डिंग वो डूबे हुए हैं पानी के अंदर। वहीं यमुना का जो जलस्तर है इस वक्त 10 बजे वो 206.95 मीटर दर्ज किया गया है। यमुना का जलस्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन अब प्रशासन के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जहां पर जलभराव की स्थिति है उन पानियों को कैसे निकाला जाए, कैसे कम किया जाए, और उनके साथ जिस तरह से कचरा बहुत सारा है, कई सारे जानवरों की डेड बॉडीज जो है वो पानी में फ्लोट कर रही हैं, कचड़े बहुत ज्यादा आ गए हैं, जिसके वजह से अगर ये पानी बहुत दिनों तक जलभराव रहता है तो इसकी वजह से कई सारी जो प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, वो पनप सकती है। जिस तरह से बारिश का महीना है, रुक रुक कर राजधानी दिल्ली में भी बारिश हो रही है, कल भी हम देखे कल शाम बहुत तेज बारिश हुई थी, उसके बाद कई तरह की दिक्कतें हो सकती है आसपास के रहने वाले लोगों को, कई तरह की बीमारियां जो है वो पनप सकती हैं, क्योंकि जब पानी बहुत दिनों तक जमा रहता है तो उसमें कई तरह के कीड़े मकौड़े जो है वो पनपने लगते हैं, उसके बाद कई तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन अब सरकार के पास, प्रशासन के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जहां पर जलभराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है वहां पर कैसे ये चीजें कम की जाए। फिलहाल सड़कों में दिखा देते हैं, पानी की निकासी होगी तो एक नई ये कहा जाए दुविधा जो है वो दिल्ली वासियों के लिए होगी, अलग अलग तरह की बीमारियों की। लाल शिवानी।